हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी मैं हूँ अर्बन एक्सटेंशन सेकंड के पैकेज 5 में, जो कि जाता है बहादुरगढ़ की साइड में। मैं इसके शुरुआती पॉइंट पर हूँ जहाँ से ये शुरू होगा, मेन UER2 से। अभी जो ये लोकेशन है, ये है नजफगढ़ से हिरनकूदना नीलवाल को जो सड़क जाती है, ये सामने वही रोड है सामने, और उसी के लिए व्हीकल अंडरपास यहाँ बनाया जा रहा है। और इसका काम एक साइड तो इसमें हो चुका है और एक बॉक्स इसका भी बनाया जा रहा है। अच्छे से इस्तेमाल में आ भी रहा है। पैकेज 5 वाली जो रोड है, काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल अभी से कर रहे हैं। अभी एक साइड उन्होंने बंद की हुई है, शायद इस पर भी कुछ काम हो रहा होगा इनका। ये देखिए व्हीकल्स इसको इस्तेमाल भी करने लगे हैं, और मतलब ये तो अच्छी चीज़ है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़राब चीज़ यह है कि आने वाले टाइम पर यहाँ से एंट्री एग्ज़िट अभी इन्होंने प्रोविज़न नहीं किया है। फ़िलहाल में कोई एंट्री एग्ज़िट यहाँ नहीं बनाया है। ये देखिए, ये इसका मेन कैरिज वे है, और मेन कैरिज वे के बाद एक इसमें इन्होंने दिया है साइकिल के लिए ट्रैक, ये वाला, और उसके बाद में फुटपाथ, पैदल लोग अंदर ना आए तो उसके लिए ये लोहे की रेलिंग लगा दी है। और उसके बाद अगर इन्हें कोई रैंप बनाना होता तो यहाँ लैंड ये एक्वायर करते, ऐसा कुछ यहाँ ऑप्शन अभी नहीं है। ये देखिए, और यहाँ के गांव के लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की है, हो सकता है आने वाले टाइम पर कोई प्लान बना दें ये लोग। तो फ़िलहाल तो हम चलते हैं बहादुरगढ़ की साइड, इसमें अपडेट दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या इसमें पहले के मुकाबले कितना काम हो गया है। देखिए कितनी शानदार इन्होंने इसको बनाया है। स्पीड लिमिट देखिए, मैंने तो इन्हें स्पीड लिमिट के लिए आपको दिखाना था, यहाँ लिखा है 100 लाइट व्हीकल के लिए और 80 हैवी व्हीकल्स के लिए, इस टाइप के व्हीकल्स के लिए। और बाकी जो UER का पार्ट है, जो मैंने पैकेज 3 में देखा, वहाँ स्पीड लिमिट 80 मेंशन की हुई थी। और जहाँ भी हम हैं, ये भी अभी जो जगह है ये दिल्ली में ही है, दिल्ली से बाहर नहीं है ये। दिल्ली में 80 से ज़्यादा स्पीड तो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर भी और NH 48 के ऊपर भी 80 है। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद 100 हो जाती है लिमिट। प्लांटेशन का काम लगभग हो गया है और लाइट्स अभी नहीं लगी हैं, पोल लग चुके हैं। ये देखिए, ये इसका फ्लाईओवर है जिसका काम हमने लास्ट टाइम देखा था, इनकम्प्लीट था। ये जो लोकेशन है, ये है जड़ौदा गांव, लेफ्ट हैंड साइड पे जड़ौदा गांव है और राइट हैंड साइड पे है बाबा हरिदास कॉलोनी। ये सामने जो दिखाई दे रही है, ये बाबा हरिदास कॉलोनी है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या काम बचा है, सिर्फ ये जो एग्जिट इन्हें बनानी है इस एरिया में, सिर्फ ये काम बचा है। अदरवाइज ये जो फाइनल इनका कोर्ट होता है SMA वाला, इसमें ये जो DBM किया हुआ है ये इनका कंप्लीट है। इसमें जो मार्किंग होती है, लेन मार्किंग, वो हो चुकी है। स्पीड का मैंने आपको दिखाया, एक जगह लगा हुआ था, अभी तक सिर्फ एक जगह मिला है। साइन बोर्ड्स जो पहले देखे थे उतने ही हैं अभी, लेकिन ये जो एग्जिट लेने वाला जो जगह है, यहाँ इन्होंने काम इसमें शुरू किया है। मतलब बहुत काम नहीं है, सिर्फ ये लगा लो कि हिरनकूदना नजफगढ़ रोड के ऊपर जो इनका व्हीकल अंडरपास है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं है इनके पास। लाइट्स अभी नहीं लगी है यहाँ पर। यहाँ से भी हम सीधा चलते हैं, देखते हैं इस फ्लाईओवर में कितना काम हुआ है। ये देखिए, ये फ्लाईओवर मैं काफ़ी आगे आ गया इसमें, ये फ्लाईओवर कम्प्लीट इन्होंने बना दिया है और इसमें ब्लैक टॉप वाला काम भी हो गया। फाइनल अभी SMA कोर्ट इसमें बचा हुआ है अभी। और ये देखिए, मैं इसमें हूँ अभी, ये जो ड्रेन वाला पार्ट है उसके ऊपर, ड्रेन की दूसरी साइड भी इन्होंने, ये देखिए जो ब्रिज था वो बना दिया है। पहले एक सर्विस रोड चालू था, अब दोनों ही सर्विस रोड चालू हैं इसमें।
पैकेज 5 में सिर्फ एक ये फ्लाईओवर और अभी आगे चलेंगे तो बाईपास पर जाकर मिलती है ये जो ये रोड है। देखिए पार्टियाँ होनी भी शुरू हुई यहाँ पे, बॉटल्स जगह जगह पे बॉटल्स पड़ी दिखाई दे रही हैं, मतलब लोगों को सुनसान जगह यही दिखती है। ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम बचा है इसको ज्वाइन करने का, उससे आगे कास्टिंग की गई है क्योंकि अभी जो ये कुछ एरिया था ये आधी वॉल के ऊपर था और उसके बाद ये जो पिलर्स के ऊपर सेट किया हुआ है। ये देखिए ये जो ड्रेन वाली साइड में आपको बता रहा था, अभी सर्विस रोड यहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है कुछ काम की वजह से, दूसरी साइड खोल दिया, पहले ये वाला ओपन था। यहाँ से इसमें पिलर्स शुरू होते हैं, उससे पहले का जो पार्ट था वो बिल्कुल इन्होंने कंप्लीट बना दिया है। एक बाइक किस हालत में है ये, एक्चुअल में क्या है ना कई लोग ध्यान नहीं देते इसमें, इन्होंने वैसे तो पत्थर लगा के बंद किया हुआ है फिर भी लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो उस वजह से ये हादसे भी हो जाते हैं। अभी गार्ड मौजूद थे इनके एम्प्लॉई, वो बता रहे थे कि बड़ी दिक्कत होती है। देखिए यहीं कहीं इसमें हादसा हुआ होगा, ये एक साइड से ये रोड इनका तैयार है, वहाँ इन्होंने एक अपनी जेसीबी मशीन खड़ी की हुई है कि व्हीकल्स नहीं आए, और वैसे तो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है फिर भी लोग नहीं मानते। इस साइड इन्होंने बंद किया हुआ है ये लगा कर पत्थर, और इस साइड यहाँ से बंद नहीं किया हुआ। अब जिसे यहाँ का पता है कि ये फ्लाईओवर आगे से फंक्शनल नहीं है तो वो लोग तो दाएं बाएं निकल जाते हैं, या तो इस सर्विस रोड से या इससे। लेकिन अब जो सीधे चला जाएगा, और फोक का टाइम वैसे अभी कई दिन से, तो वो जैसा मैंने दिखाया ऐसे हादसों का शिकार भी हो सकते हैं, या इन्हें कंपनी को बंद करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे कम से कम इंडिकेशन लगा देना चाहिए, ये पत्थर लगाने से भी अंदाज़ा हो जाता है कि आगे ये रोड बंद है। ये देखिए इस पॉइंट से मैंने आपको भी दिखाया था व्यू, अभी मैं इस वाले पॉइंट पर था जहाँ पर ये जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है, वो जेसीबी मशीन जो है रोड को ब्लॉक करने के लिए ही लगाई गई है। ये वाला जो पार्ट है ये अभी तैयार हुआ है, इस पर फ्लोरिंग हो चुकी है, ज्वाइन करना है, हद से अधिक महीना इसमें कंप्लीट होने में। यहाँ एक बिजली की लाइन थी, इलेक्ट्रिक लाइन, ये पोल है जो सनलाइट के साथ दिखाई दे रहा है, ये शिफ्ट हुआ उसके बाद इन्होंने देखिए आधी वॉल वाला काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। अभी फ़िलहाल काम बंद है, जैसे अभी मैंने पूछा इनके जो एम्प्लॉई थे यहाँ पर, उन्होंने बताया अभी कंक्रीट वाला जो मटेरियल है वो नहीं अवेलेबल है क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन बैन लगे हुए हैं दिल्ली में, हाईवेज़ के ऊपर तो शायद नहीं था, फिर भी हो सकता कुछ चीज़ों पर लगा दिया हो, इस वजह से कुछ काम इनके अभी डिले हो रहे हैं। बाकी काम यहाँ लगभग हो ही चुका है, सिर्फ ये देखिए फ्लोरिंग हो चुकी है, सिर्फ ज्वाइन करना है, और ऑलरेडी लोग इसे इस्तेमाल भी करने लगे हैं। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट कंडीशन में दिखाई दे रहा है ये फ्लाईओवर। ये है नजफगढ़ से बहादुरगढ़ जाने वाली जो सड़क है, इसमें बाएं साइड जाएंगे तो नजफगढ़ और दाईं साइड जाएंगे तो झड़ौदा बॉर्डर होते हुए बहादुरगढ़ पहुंच सकते हैं। अभी हम यहाँ से बिल्कुल सीधा चलेंगे इस वाली साइड में, और इसके जो बाईपास पर जो इसके फ्लाईओवर हैं उनकी कंडीशन और देखते हैं भैया। देखिए आप बहादुरगढ़ की साइड से जब आएंगे तो पहला एग्जिट 500 मीटर, मतलब बहादुरगढ़ और नजफगढ़ के लिए।
अभी साइड से आए हैं और यहाँ अभी हम जाएंगे। ये सामने फ्लाईओवर्स हैं जो मुझे आपको दिखाने हैं। अभी फ़िलहाल सर्विस रोड पब्लिक के लिए ओपन छोड़ी हुई है जिससे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि दोनों साइड के व्हीकल्स अभी एक ही रोड पे चल रहे हैं और मैंने देखा काफ़ी गाड़ी वाले काफ़ी तेज यहाँ से निकलते हैं। अभी इस फ्लाईओवर की साइड चलते हैं अभी हम। ये देखिए ये फ्लाईओवर्स हैं जो कि दिल्ली रोहतक रोड जो है NH9 इसे कनेक्ट करेंगे UER2 के साथ में, और ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट के जैसा ही कह लो इनको। ये देखिए ये कंप्लीट करने के बाद में दिल्ली रोहतक रोड जो इन्होंने डाइवर्जन बनाया था उसे हटा दिया इन्होंने, और जो डिवाइडर है जो मीडियन है उसे दोबारा से बना दिया इन्होंने, देख सकते हैं। और ये जो फ्लाईओवर है जिस पर अभी हम हैं ये है जो लोग आएंगे रोहतक की साइड से, इस साइड है रोहतक सनलाइट सामने नहीं दिख रहा साफ, और ये दिल्ली की साइड जाते हुए जिसे जाना है सपोज करो द्वारका की साइड में या IJ एयरपोर्ट या NH44 भी जाना है यहाँ से, तो भी इस वाले फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके वो इस फ्लाईओवर पर आएगा और ये फ्लाईओवर यहाँ से दाएं साइड घूम जाएगा। ये देखिए सामने दाएं साइड घूम जाएगा और यहाँ से जहाँ से अभी हम आए हैं मैंने आपको वीडियो दिखाया, और इस वीडियो में मैं जहाँ से भी आया हूँ मैं दिखाया उस साइड ये जाकर मेन हाईवे के साथ मिल जाएगा। और ये दूसरे वाला जो फ्लाईओवर है ये जो लोग आएंगे द्वारका की साइड से या मेन जो UER2 है उसकी साइड से जो आएंगे, और ये जिन्हें जाना है रोहतक की साइड वो मेन हाईवे में से मिल जाएंगे। नीचे इसमें सर्विस रोड्स भी बनाए गए हैं, एक सर्विस रोड तो ये सामने है जो दिखाई दे रहा है ये वाला, एक इन फ्लाईओवर के दूसरी साइड में भी है। इस फ्लाईओवर में ज़्यादा काम नहीं बचा है, जैसे ये ब्लैक टॉप तो देख ही रहे हैं हो चुका है और लेन मार्किंग भी हो चुकी है, इसका मतलब कि ये फाइनल इसमें जो टच है वो हो चुका है। यहाँ एक्सपेंशन जॉइंट्स जो हैं इसके लगाने का काम अभी बचा हुआ है। ये देखिए ये एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ लगाया गया है, ये देखिए ये वेल्ड किया गया है यहाँ पर, ये एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ लगा दिया गया है, इसको भी सेट किया जाएगा, इसमें कास्टिंग की जाएगी इसमें। अभी काम होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा, दिल्ली वाली साइड तो बताया कि अभी जो कंस्ट्रक्शन बैन है उसकी वजह से अभी काम नहीं हो रहे हैं इनके। एक यहाँ देखिए ये एक्सपेंशन ये जॉइंट लगाने के लिए, एक्सपेंशन जॉइंट लगाने के लिए यहाँ से ये जगह बनाई गई है, इसमें भी ऐसे ही काम होगा। और ये क्रैश बैरियर एक साइड का इसमें इनकम्प्लीट था, बस ये बन गया है, उसके बाद ये लगभग कंप्लीट ही है। अभी तो ये वॉक के काम आ रहा है लोगों के, क्योंकि कंप्लीट तो हो ही चुका है लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है इस वजह से। ये सर्विस रोड है एक साइड का, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है। अब इस अपडेट को यहीं ख़त्म करते हैं, इसका मैंने आपको कंप्लीट अपडेट दिखा दिया है। मेन इसका शुरू किया था मैंने हिरन कूदना और नजफगढ़ रोड से, वहाँ से इसमें एक व्हीकल अंडरपास है उसमें काम हो रहा है, उसके बाद में जो एक जड़ौदा गांव के पास जो फ्लाईओवर है उसमें कुछ काम बचा है, ज़्यादा नहीं है उसमें भी काम, और ये फ्लाईओवर्स भी कंप्लीट है, इनमें जो टचिंग का काम है मतलब फाइनल स्टेज में जो काम होता है वो बचा हुआ है।
जैसे एक और दिखा देता हूँ इसमें, यहाँ एक्सपेंशन जॉइंट लगेगा अभी। ये देखिए, ये ब्लैक टॉप होने के बाद ही लगाते हैं, ये स्पेस है, यहाँ भी एक्सपेंशन जॉइंट लगाया जाना है। ये देखिए, जैसे हमने लास्ट पॉइंट पे देखा था, इसको निकाल देंगे बाहर और फिर उसके बाद लगाएंगे। यहाँ भी सामने इस दूसरे वाले फ्लाईओवर पर भी, यहाँ भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम ही बचा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पैकेज 5 बिल्कुल अपने टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी काम में डिले वाली चीज़ नहीं है। मतलब दिल्ली से कनेक्ट होने का अभी जो फ़िलहाल जो रास्ता था वो ये है, यहाँ से कनेक्ट होते हैं दिल्ली जाने के लिए, ये रास्ता सीधा जाएगा, टिकरी बॉर्डर पहुँच सकते हैं हम इससे। और अब फ़िलहाल एक नया जो वे मिल जाएगा वो ये वाला है, मतलब काफ़ी टाइम बचेगा इससे, और जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उस पर लोड भी कम होगा। एक इसमें सर्विस रोड ये वाला, जहाँ से ये गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है, जो लोग आएंगे उधर सामने की साइड से और जिसे UER2 में जाना है वो यहाँ से इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो दोनों साइड का ट्रैफिक एक साथ ही चलता है। तो ओके भाई लोगों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट अपडेट में। कमेंट्स करते रहे ना, कमेंट्स करने से नॉलेज मुझे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलती है, जवाब देने में मुझे भी अच्छा लगता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया हो तो बिल्कुल करना। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।